आजकल देखा जाता है गैस की समस्या, हर दूसरे इंसान को गैस की समस्या रहती है। सभी आके मैं बोलते हैं कि हमें गैस की समस्या है, पेट फूला रहता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, खाने के बाद पेट भर जाता है, गैस लगती है, ऊपर से गैस निकलती है, ये सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीने की आदतें। अगर हम हमारी आदतें सही नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी। अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी तो हमारा खाना नहीं पचेगा और हमें पेट फूला हुआ लगेगा, हमें गैस की समस्या लगेगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा ढका रहे हैं, पेट फूला हुआ लगे, हमें लगेगा कि खाना पच नहीं रहा है, हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, पेट में दर्द होने लग जाता है, छाती में जलन होती है, कंधों में भारीपन, शरीर में गैस बढ़ जाना, सिर में चढ़ जाना, और ये सब समस्याएं अपच होने की वजह से ही होती हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है हम समय पर खाना खाएं, कम खाएं, अच्छे से चबा के खाएं, खाने के बीच में पानी पिएं, खाने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिएं, खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, खाने में ताज़ा फलों का, ताज़ा सलाद का इस्तेमाल करें, खाना अच्छे से चबा के अगर खाएंगे तो वह अच्छे से पचेगा। अगर हम जल्दबाजी में खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं तो हमारे पेट में पचेगा नहीं। उसको पचाने के लिए शरीर में और ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमें एसिडिटी लगेगी, फिर पेट में जलन लगती है। और दूसरा क्या, अगर हमने बिना चबाए हुए खाना खाया है तो हमारे पेट से खाना आगे डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट के अंदर पड़ा रहेगा, इससे हमारे गैस भरती हुई लगेगी, ऐसा लगेगा पेट फूल रहा है और पेट के अंदर अपच जैसा महसूस होगा। उसके बाद फिर जब पेट फूलना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि सिर में भारीपन हो रहा है या छाती में जलन हो रही है। तो इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय पर खाएँ, कम खाएँ, चबा कर खाएँ और अच्छा खाना खाएँ, कम मात्रा में ही खाएँ, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही खाएँ। अगर हमने कभी ज़्यादा खा लिया है तो हमें व्यायाम करके या एक्सरसाइज करके उसको पचा लेना चाहिए। जब हम बहुत लंबे समय तक परहेज नहीं करते हैं, जब गंदे से खाना खाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं या समय पर नहीं खाते हैं, या हम दर्द की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे जो पेट के अंदर की म्यूकोजा है, अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो परत है, वह ख़राब हो जाती है और वहाँ से हमें दर्द होना शुरू होता है। उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब है पेट की अंदर की परत का खराब हो जाना। जैसे मुंह में छाले होते हैं, इसी प्रकार से पेट के अंदर अगर छाले हो जाते हैं तो हमें पेट दर्द होने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। पर गैस्ट्रिक अल्सर होने से पहले ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उल्टा सीधा ना खाएं, समय पर खाएं और फास्ट फूड वगैरह से बच कर रहें। और इन सबको हम फिर दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों के फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो अच्छा है कि हम हमारा खान पान और रहन सहन ही ठीक करें ताकि इस बीमारियों से हम बच सकें।